सभी हम अपने विचारों को सभी तरफ से हटाकर मन बुद्धि को विकृति के मध्य एकाग्र करेंगे और स्वयं को देखेंगे कि मैं एक चमकता हुआ सितारा, विकृति के मध्य में विराजमान हूँ। मुझसे बहुत सुंदर सुंदर सी किरणें निकल रही हैं। मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान, बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। मुझे स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बनाया है। मैं कोटों में कोई और कोई वाली आत्मा हूँ। जब स्वयं भगवान का पाठ इस धरती पर है, तब मैं भी उनके साथ पाठ प्ले कर रही हूँ। ये कितनी ना कितनी सौभाग्यशाली बात है, जिसको हमने जन्मों जन्म तक ढूंढा, उसने मुझे अपना बना लिया, मुझे इतना प्यार दिया। इस दुख भरी दुनिया में अपनी गोद में बिठा लिया। ऐसे अपने परम पिता परमात्मा से, मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा से मिलन मनाने के लिए हम सभी चलेंगे अपने स्वीट होम में, परम धाम में। ऐसा मीठा घर जो मुझ आत्मा का परमानेंट एड्रेस है, जहां मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के साथ निवास करती हूँ। ध्यान से अपने घर को देखेंगे, अपने पिता को देखेंगे, वो दिव्य चमकती हुई लाइटों को, किरणों को बिखेरता हुआ मेरा पिता कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। उनके बिल्कुल समीप जाकर बैठ जाएंगे, एक छोटा सा बच्चा बनकर बाबा की किरणों की लाइट की बाहों में समा जाएंगे। ऐसा मीठा प्यारा बाबा, जो मुझे कितने जन्मों के बाद जाकर मिला, उनसे आती हुई पवित्रता की किरणें, सुख की किरणें, शांति की किरणों में समा जाएंगे, अनुभव करेंगे कि जैसे मैं अपने प्यारा बाबा में समा गई हूं, उनके प्यार में मगन हो जाएंगे। और वहां की शांति के वाइब्रेशन को, पवित्रता के वाइब्रेशन को महसूस करेंगे और अपने अंदर भरता हुआ देखेंगे। ऐसा मीठा घर, मीठा बाबा मुझे कितना मीठा बना रहा है। अब हम धीरे धीरे नीचे, मैं अपने बाबा के साथ अव्यक्त वतन में जा पहुंची।
प्यारे बाबा, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा के भ्रिकुटी के मध्य जाकर विराजमान होते हैं, और मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर धारण करती हूँ और बाबा के सामने, बाबा के हाथों में हाथ लिए हुए हैं। बाबा मुझे बहुत प्यार भरी और शक्ति भरी दृष्टि दे रहे हैं, उसे अंदर तक महसूस करें। उस दृष्टि से मेरे जन्मों जन्मों के पाप जैसे भस्म हो रही हैं। मैं आत्मा बिल्कुल प्योर बनती जा रही हूँ। बाबा मुझे मस्तक पर लाइट का तिलक दे रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं बच्चे, सदा विजयी भव, सफलता मूर्त भव। और मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे बोले कि बच्चे निर्विघ्न भव, विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान भव। फिर बाबा मुझे अपने गले लगाते हैं और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रही हूँ। ऐसे बाबा से प्यार भरी रू रिहान करते हुए महसूस करें कि मैं आत्मा कितनी ना सौभाग्यशाली हूं जो ऐसे प्यारे बाबा से वरदानों में पल रही हूं। वहां की सूक्ष्म बदन की लाइट को महसूस करें, वहां की पवित्रता सुख शांति को महसूस करें। और बाबा मुझे निरंतर बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रही है, उनसे आती हुई किरणें मुझे आत्मा के अंदर समाती जा रही है, और मेरा शरीर भी और भी ज्यादा चमकीला लाइट का बनता जा रहा है। ऐसे अब धीरे धीरे इसी स्थिति में नीचे साकार बतन में, इस साकार दुनिया में, अपने साकार शरीर में भ्रिकुटी के मध्य आकर विराजमान होंगे। और जो बाबा से हमने शक्तियां ली हैं उन सबको महसूस करेंगे और शरीर के हर एक ऑर्गन्स को देंगे वो पवित्रता की शक्ति, आनंद की शक्ति, प्रेम की शक्ति, और चारों तरफ फैलाएंगे। वायुमंडल को जहां भी जाएंगे वाइब्रेशन के द्वारा शुद्ध और पवित्र बनाते जाएंगे। स्वयं भी निर्विघ्न बनना है और औरों को भी निर्विघ्न बनाते जाएंगे। अभी हम इसी स्थिति हाँ में बाबा की याद में बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे और पढ़ेंगे। ओम शांति। एक्चुअली क्या है वो उसमें सचिन भाई जी की क्लास में
6/11/1981 की मुरली है। मुरली का टाइटल है विशेष युग का विशेष फल, सदा कल्याणकारी शिव बाबा विश्व कल्याण के आधार मुहूर्त बच्चों प्रति बोले। ये पार्टियों के साथ मुलाकात है। ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना। बाबा ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना। सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हो। फिर बाबा पूछते भी हैं कि सबको दे भी रहे हो। मास्टर ज्ञान सूर्य होना, हम बाबा ने हमें इतना सुंदर टाइटल दिया है उसको लेके नहीं बैठना कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा कहते उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ कर भी रहे हो, यानी कि ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर सर्व शक्तियों की सारे विश्व को दे रहे हो। तो सूर्य क्या करता है, अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है। तो आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों को किरणें विश्व में देते रहते हो। जैसे सूर्य का काम है विश्व को रोशनी देना, तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों की किरणें देनी है विश्व को। सारे दिन में कितना समय इस सेवा में देते हो? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सारे दिन में कितना देते हो। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य ही यह है, बाकी निमित्त मात्र। ब्राह्मण जीवन का वा जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, मना बाकी जो भी हम कुछ करते हैं वो निमित्त मात्र है, और हमारा असली जो जीवन है ब्राह्मण जीवन का वो है विश्व कल्याण के लिए। तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहते हो। जो इस कार्य में तत्पर होंगे वह सदा निर्विघ्न होंगे ना। यदि हम इस बिजी रहेंगे इस बाबा के कार्य में तो निर्विघ्न होंगे। विघ्न तब आते हैं जब बुद्धि फ्री होती है। सदा बिजी रहो तो स्वयं भी निर्विघ्न और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। खुद तो निर्विघ्न रहेंगे, औरों के प्रति भी क्या रहेंगे, हम विघ्न विनाशक। यदि हम अपनी बुद्धि को फ्री ना रखकर बाबा के कार्य में तत्पर रहते हैं तो विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी भी आ नहीं सकता। अच्छा, और भी है थर्ड पॉइंट। संगम युग पर ब्राह्मणों का विशेष स्थान है, बाप दादा का दिल तख्त। सभी अपने को बाप दादा के दिल तख्त नशीन अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं संगम युग पर सबका जो ब्राह्मणों का विशेष हमारा स्थान कहाँ पर है, बाबा के दिल तख्त पर, तो उसे अनुभव करते हो। ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा। सत्युग में हीरे सोने का तख्त मिलेगा। बाबा कंपैरिजन करके बता रहे हैं हमें कि सत्युग में तो हमें हीरे सोने का मिलेगा लेकिन दिल तख्त नहीं मिलेगा ना। जो हमें यहाँ संगम पर बाबा का दिल तख्त है वो नहीं मिलेगा। तो सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण और आपका श्रेष्ठ स्थान क्या है, दिल तख्त। सबसे श्रेष्ठ हम क्या है, ब्राह्मण, और उससे भी श्रेष्ठ हमारा स्थान है दिल तख्त बाबा का। इसलिए ब्राह्मण चोटी अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। इतना नशा रहता है कि हम तख्त नशीन हैं, ताज भी है तख्त भी है और तिलक भी है। तो सदा ताज तख्त तिलकधारी रहते हो ना। ताज तो हमें क्या, कौन सा मिला हुआ है, ताज जिम्मेवारी का, और तख्त कौन सा मिला हुआ है, बाबा का दिल तख्त नशीन, और तिलक तो है ही सदा स्मृति का। तो बाबा कहते ताज भी है तख्त भी है तिलक भी है। तो सदा ताज तख्त तिलकधारी रहते हो। स्मृति भव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना। सदा इसी इसी नशे में रहो कि सारे कल्प में हमारे जैसा कोई भी नहीं। यही स्मृति सदा नशे में रखेगी और खुशी में झूमते रहेंगे। यदि सदा ये याद रहे कि मैं किसका बच्चा हूँ, मुझे कौन मिला है,
सारे कल्प में ऐसा कोई है ही नहीं है जिसका पार। इस नशे में रहेंगे, इस स्मृति में रहेंगे तो फिर खुशी में झूमते रहेंगे। अंडरलाइन करने वाली बात है ये कि इस नशे में रहें, स्मृति में रहें हम। आगे है, रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है लाइट हाउस बन सबको लाइट देना। सदा अपने को लाइट हाउस समझते हो, बाबा से हम लाइट लेते हैं तो लाइट हाउस बन के औरों को भी लाइट देनी है। सदा अपने को लाइट हाउस समझते हो, लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर, इतनी अथाह ज्योति अर्थात लाइट जो विश्व को लाइट हाउस बन सदा लाइट देते रहें। बाबा कहते जहां से हम आए हैं वो कौन सी है दुनिया, वो है ज्योति का घर, तो वहां से इतनी अथाह ज्योति अर्थात लाइट जो विश्व को, वहां से हमने लेनी है और विश्व को देते रहना है। तो विश्व को लाइट हाउस बन सदा लाइट देते रहें, तो लाइट हाउस में सदा लाइट रहती ही है तब वह लाइट दे सकते हैं। यदि लाइट हाउस में ही लाइट नहीं है तो वो कैसे देंगे। अगर लाइट हाउस खुद लाइट के बिना हो तो औरों को कैसे दे। तो सबसे पहले हमें खुद लाइट हाउस बनना है, वहां से ज्योति के घर से लाइट हाउस से हमने ज्योति लेनी है तो फिर औरों को देते रहेंगे। हाउस में सब साधन इकट्ठे होते हैं तो यहाँ भी लाइट हाउस अर्थात सदा लाइट जमा हो। लाइट हाउस बनकर लाइट देना यह ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। हमारा ऑक्यूपेशन भी क्या है, सबको लाइट देना, खुद लाइट हाउस पहले बनना है और फिर देना है। सच्चे रूहानी सेवादारी महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। बाबा ने लाइट हाउस किनको बोला, अंडरलाइन करना है कि जो सच्चे रूहानी सेवादारी महादानी होंगे ना, वो हमेशा रह ही नहीं सकते लाइट हाउस दिए बगैर। दाता के बच्चे दाता होंगे, जैसे सूर्य का काम है देना ना, ऐसे ज्ञान सूर्य भी देते रहती हैं, तो ऐसे हम भी दाता के बच्चे हैं तो वो दाता होंगे। सिर्फ लेने वाले नहीं लेकिन देना भी है, जितना देंगे उतना स्वतः बढ़ता जाएगा। ज्ञान ही हमारा ऐसा है, शक्तियां जितना हम देते जाएंगे उतना और बढ़ता जाएगा। बढ़ाने का साधन ही है देना। दुनिया में कुछ टूल टूल कोई देने लग जाए तो वो कम तो होगी, पर ये जो हमारी शक्तियां हैं, गुण शक्तियां ज्ञान, ये ऐसे हैं जो देने से उल्टा क्या है बढ़ती हैं। तो सर्व वरदानों से संपन्न बनने का समय ही क्या है, संगम युग। सिर्फ यही युग है पूरे कल्प में जिसमें हम सर्व वरदानों से संपन्न बन सकते हैं। इस श्रेष्ठ समय के महत्व को व समय के वरदान को जानते हो ना, यदि हमें समय का भी महत्व याद हो, ये समय कौन सा चल रहा है, तो भी फिर क्या होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। इस श्रेष्ठ समय के महत्व को और समय के वरदान को जानते हो ना, इस समय को ही वरदान है, वरदानी मुहूर्त है ये। सारे कल्प में वरदानी समय कौन सा है, संगम। तो इस वरदानी समय पर स्वयं को वरदानों से संपन्न बनाया है। बाबा कहते हैं ये वरदानी समय तो है पर बनाना तो हमें खुद ही को पड़ेगा। तो इस वरदानी समय पर स्वयं को वरदानी से संपन्न बनाया है। जब हम स्मृति स्वरूप में रहेंगे तभी तो हम वरदानी स्वरूप बन सकते हैं। क्योंकि यह भी जानते हो कि विधाता द्वारा वरदानों का भंडार भरपूर भी है और खुला भंडार है ना, बाबा के पास इतना वरदान है जो भरपूर भी है और खुले भंडार है, कोई ताला चाबी नहीं है। यदि एक ही टाइम पर सारा विश्व भी लेना चाहे तो भी खाली नहीं होगा ना, इतना भंडार भरपूर है और कोई ताला चाबी नहीं, कोई पहरेदार नहीं है, खुले भंडारे हैं। तो जितना चाहे उतना अपने को माला माल बना सकती हैं, तो ऐसे माला माल बनाया है। बाबा कहते जितना चाहो उतना बना सकते हो।
थोड़ा सा खजाना लेकर के थोड़े में संतुष्ट नहीं होना ना, बस थोड़ा सा लिया। देने वाला कहते हैं ना कि देने वाला तो दिन भर थकता नहीं और लेने वाले थक जाते हैं, वो नहीं बनना। थोड़ा सा खजाना लेके संतुष्ट नहीं होना, लेना है तो पूरा ही लेना है, थोड़ा नहीं। बाबा कहते पूरा लो ना, थोड़ा क्यों लेना, खजाने भरपूर हैं और खुला भंडारा है। और फिर कोई कहे कि नहीं बस इतना ही लेना है, नहीं। जो अधिकारी आत्माएं होंगी वह थोड़े में खुश नहीं होंगी, उनको तो पूरा चाहिए, तो हमें भी क्या बनना है, थोड़े में संतुष्ट नहीं होना। अधिकारी अधिकार समझकर हमने अपने घर से अपनी बाबा से सारी वरदानों के भंडार भरपूर करने हैं। बनना है तो नंबर वन बनना है, लेना है तो संपन्न ही लेना है ना, थोड़ा क्यों लेना, पीछे क्यों आना, जब लेने ही लगे हैं तो बाबा कहते फिर नंबर वन बनना है ना, लेना है तो संपन्न ही लेना है। तो ऐसा ही लक्ष्य और लक्षण दोनों समान है ना, लक्ष्य रखा हो तो उसके साथ के जो लक्षण जो बाबा बताती हैं इस वरदानी समय को वरदान लेने के लिए, वो सब कुछ करना होगा तो ही हम संपन्न बन सकेंगे। सदा हर बात में बैलेंस रखो, बैलेंस से ही बाप द्वारा और सर्व द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेंगी और ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी। हम बाबा कहते हैं हर बात में बैलेंस हो, चाहे हम योग कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, सेवा है, सब में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस रख ब्लेसिंग लेना, ब्लेसिंग देना, यही मुख्य सौगात मधुबन से लेकर जाना, यही है यहाँ की रिफ्रेशमेंट। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने हमें इतना भरपूर किया, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। दीदी सदा, हाँ जी, याद प्यार पढ़ना है। ऐसे सदा विशेषता को देखने वाले, विशेषता को कार्य में लगाने वाले, विशेष समय सेवा में लगाए, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा, सदा संतुष्टता की किरणों द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का या प्यार और नमस्ते सभी स्वीकार करें। बाप दादा का या प्यार और नमस्ते, और हम बच्चों का भी, सभी रूहानी बच्चों का बाप दादा को दिल से प्यार से या प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत अच्छे से आपने मुरली पढ़ी, योग भी करवाया, शुक्रिया है। तो हम अभी चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमने क्या लिया बाबा के महावाक्य में से? हम ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य क्या है? फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट था दिल तख्त नशीन, बाबा का दिल तख्त नशीन कैसे। तीसरा था
लाइट हाउस। कोई शेयर करेंगे इसके ऊपर? और लास्ट था वरदानी समय। जी संगीता बहन जी, जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का ये मुख्य कर्तव्य है कि हमें ज्ञान सूर्य बनकर विश्व में सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान और शक्तियों की किरणें प्रदान करनी है, सबको निर्विघ्न बनाना है। पहले खुद निर्विघ्न बनना है योग तपस्या सेवा धारणाओं से, और फिर सबको भी निर्विघ्न बनाना है। ओम शांति। कि उसके साथ एक चेकिंग भी दी है पापा ने कि सारे दिन में कितना समय इस सेवा में देते हो। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य ही वह है, अंडरलाइन करने की बात है। एनीवेज आगे, और किसी का भी हाथ हैंड रेस था? हमने देखा नहीं। जी तारा बहन जी, जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा कि हम रूहानी सेवाधारियों का कर्तव्य है कि हम लाइट हाउस बन करके बाबा से शक्ति लेकर और सर्व को दे, तो लाइट हाउस बन करके देना है, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। बाबा ने ये कहा कि सच्ची सेवाधारी महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। ओम शांति। दीप्ति बहन जी, जी ओम शांति। और बाबा के इस कार्य में जो सदा बिजी रहेंगे, तो बाबा ने कहा वो निर्विघ्न रहेंगे, और वो खुद भी निर्विघ्न रहेंगे, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाएंगे, तो वो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो बाबा के कार्य में ही बिजी रहेंगे तो बुद्धि इधर उधर जाएगी नहीं व्यर्थ की तरफ, बुद्धि नहीं इधर उधर जाएगी तो कोई फिर विघ्न आएगा भी नहीं। ओम शांति। जी दीदी, ये विश्व कल्याण के लिए बोला था बाबा ने यहाँ पे, कि विश्व कल्याण कार्य में जो भी हमारा ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य जो है, ज्ञान सूर्य बन, जैसे संगीता दीदी ने शेयर किया ना, वो पॉइंट में था वो निर्विघ्न बनने का। ठीक है। जी इसका कैलाश भाई जी बोलिए। बाबा कहते हैं कि अभी हमें लाइट हाउस का भी कर्तव्य करना है, तो हमारे पास जो ज्ञान है तो ये ज्ञान की रोशनी हमें हमारे संबंध संपर्क में आने वालों को देना है, और जो बाबा से शक्तियां मिलती है तो लाइट हाउस के रूप में वो शक्तियां भी सर्व आत्माओं को देना है। अगर हम लाइट हाउस होते हुए भी हमारे अंदर ही रोशनी नहीं होगी तो फिर हम ये कर्तव्य नहीं कर पाए, इसलिए हमें अपनी स्मृति को हमेशा सजग रखना। ऑप्शन जी अच्छा, ताराबेन जी आपका हैंड रेस है, आपको शेयर करना है कुछ? सॉरी भाई जी मैंने कर दिया। कोई बात नहीं मेरा। अच्छा आतिया बहन जी, ओम शांति सबको। ओम शांति। आज बाबा ने बोले थोड़ा सा लेके खुश नहीं होना, बाबा से जितना बाबा तो ये बोले थोड़ा सा लेके खुश नहीं होना, ज्यादा लेना है, ज्यादा हम लेंगे तो दूसरे को बांट सकते हैं, थोड़ा लेके खुश हो जाएंगे तो फिर हम दूसरे को बांट नहीं सकते। जैसे बाबा और भी मुरली में हमेशा बोलते हैं जितना लेना ले सको, जितना लूटना लूट सको, हमको अभी लेना है, भरपूर लेना है, जितना हम भरेंगे इतना हमें दे पाएंगे, नहीं तो हम तो खोखला बन जाएंगे, दे नहीं पाएंगे, इसीलिए हमको लेना ही लेना है। ओम शांति। जी और तो आज का मेन टॉपिक यही है। अगर किसी का और चिंतन चला इसके ऊपर, विश्व कल्याणकारी कैसे बनना है, बाबा के दिल तक नशीन कैसे बनना है, लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर और वरदानी समय। अच्छा बाबा ने एंड में कहा है मुरली के कि सदा हर बात में बैलेंस रखो। कौन सी बात में बैलेंस रखना है?
हर बात में बैलेंस रखना मतलब क्या? ओम शांति। लक्ष्य जी और लक्षण दोनों में बैलेंस रखना है। हर बात में बैलेंस रखने से हम सर्व से ब्लेसिंग भी मिलेगा, और ब्लेसिंग देना लेना भी है और दूसरों को देना भी है। ओम शांति भाई। जी हाँ जी मोहन भाई जी, ओम शांति। योग और सेवा का बैलेंस। अरे वाह सुपर्ब। सिक्स और थैंक यू। बस बहुत है, फिर तो बोलने का भी बैलेंस रखना ना जी, इस अरे करके मैं बात वाह कर क्या रही बात हूँ। ओम शांति भाई। लौकी जी का जी तो कभी बैलेंस रखना चाहिए, हाँ लौकिक में ये भी रहते बहुत अच्छी बात बैलेंस जी। ज्यादा चाहिए, 90% रखना ही पड़ेगा, ये भी चाहिए जब आप हाँ देखते हैं। तो अच्छा सच्चाई से चाहिए, जो भी हम हाँ करें चैट जी 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 तो उसमें भी चैट हम में भी ये आया है, चाहिए, श्रीमत और चैट में सच्चाई। सॉरी मैं सोच रहा हूँ कि आपका हो गया। थैंक यू दीदी। ओम शांति लव और भाई। लॉ में बैलेंस, गंभीरता रमणीकता में बैलेंस अभी चैट में तो आ रहा है। और कई का बैलेंस हम रखते हैं। कर्म और योग दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मतलब कर्म करते हुए कर्म बाबा की याद भूलनी नहीं है, और ऐसे नहीं कि हम याद करते जा रहे हैं और हमारा जो कर्म है, कर्तव्य है, उसको भूल गए, ऐसा नहीं। जी, ये भी अच्छी बात है। वो मोहन भाई जी ने शेयर किया ना या योग और सेवा, तो ये इस प्रकार से ये भी कवर हो गया उसमें, या फिर ये भी अच्छी पॉइंट है। और कौन सी बात का बैलेंस? सभी बाजू बैलेंस चाहिए ना अपने को, नहीं तो लड़खड़ा जाएंगे ना। ठीक से नींद नहीं की तो सुबह अमृत वेला बैलेंस होगा, खाने पीने में बैलेंस, और ओम शांति भाई जी। गृहस्थ प्लान और गृहस्थ प्रैक्टिकल जीवन। दोनों बैलेंस। फिर से बोलिए, प्रैक्टिकल और क्या? प्लान और प्रैक्टिकल, अच्छा जो अभी तक प्लान मैं करते हैं वो प्रैक्टिकल में लाना। अनीता जी बोलिए जी। ओम शांति भाई जी। आप मतलब इस बैलेंस में तो ये भी आ जाएगा ना, लौकिक और अलौकिक को भी हमें बैलेंस करके चलना है, एक साइड ज्यादा नहीं होना, नहीं तो फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। जी। शांति। ओम शांति। अच्छा लौकिक और अलौकिक का बैलेंस का मतलब क्या है? क्योंकि सबका यही होगा, लौकिक और अलौकिक, राइट? जी तो उसका मतलब क्या है? आपको नहीं पूछ रहा दोनों हूँ, सभी बोल सकते हैं। दोनों तरफ जी, तोड़ नहीं पाना, जी, तो उसका मतलब मतलब क्या घर, है? जी जी जो घर में रहते भी भाई जी, तो मतलब हाँ हम जो लौकिक है उनको भी भगवान के बच्चे ही समझ के, उनको ये समझ के सेवा करना है कि मैं यहाँ हाँ सेवा सेंटर ही है मेरा, और मैं यहाँ हाँ निमित्त हूँ, क्योंकि भगवान का जो हाँ मेरा घर है मधुबन, वो तो मेरा घर है, लेकिन भगवान ने हाँ मुझे हाँ सेवा के लिए निमित्त भेजा, तो ये सब सेवाधारी ही सेवा करने के लिए मुझे मिले हैं, इनकी भी मुझे उतनी ही सेवा करनी है जितना कि मैं सेंटर पर रह के सबकी करूं। ओम शांति। मेरा जो क्या बात है टेंशन जी। एक मिनट हाँ, मैं चार्ट में से पढ़ लेता हूँ। जो रचना रची है उनको भी पालना करना। अच्छा, और कर्म योगी पूनम जी ने लिखा है, और माइंड एंड स्पीच स्लैश बॉडी संगीता दीदी। सेवा स्थान जी बोलिए, रियल मी यू वन, आपका अनम्यूट है।
और कौन सी बात का बैलेंस, किसी का चिंतन चल रहा है? जी भाई जी, समय का बैलेंस कि केवल लौकिक कार्य में बिजी नहीं रहे लेकिन बैलेंस करे, बाबा के कार्य में भी समय लगाए। जी, बहुत अच्छे। और हम ट्रस्टी बन के भी रह के बैलेंस कर सकते हैं, हाँ, बस ट्रस्टी बनने में सिर्फ कौन सा कैसा बैलेंस हो तो ट्रस्टी बनने का तो। और आप इसमें थोड़ा बताइए, ट्रस्टी बनने में आपका कैसा चिंतन चला ट्रस्टी के ऊपर? हाँ लगे। ये मेरा घर में मैं आई हूँ, अवतरण हाँ होती है सेवा के लिए। बाबा ने मुझे जी सेवा दी, ये सब ये आत्मा है, इनकी मुझे सेवा करनी, तो मेरा कुछ नहीं है यार, मेरे सेवा के लिए मैं आई हूँ, ये करना है। सब जो करवा रहे हैं बाबा कर रहे, तो बाबा को ट्रस्ट, हमें ट्रस्टी, हम ट्रस्टी बन गए। बाबा ने हम बाबा को दे दिया सब कुछ, अपना बाबा को दे, तो बाबा हमें ट्रस्टी बनाएंगे। अब ट्रस्टी बन अरे के वाह, संबंध तो ऐसे ही सोच के ही करते हैं, कभी भी है तो है, ये मेरे बंधन में नहीं रहते, संबंध रखते हैं, तो मैं बंधन में नहीं आता, संबंध रख के सब, हाँ, उनसे संबंध है अच्छा, रखने और करना है। हम ट्रस्टी है, पर जो हो रहा है अच्छे ही हो रहा है, अच्छे से अच्छा हो रहा है, हाँ गलत कर रहा है तो वो भी अच्छा है। अपने सामने होता है कुछ, कभी कभी होता है, कुछ गलती भी होती है, गृहस्थी में बहू है, ये है वो है, तो गलती होती है, लेकिन वो ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे होता ही, चलो आगे चलो, ऐसे कोई सोचना है नहीं इसके बारे में, बस पुलिस बाबा बोलते ना बिंदु लाया, ऐसे रखेगा तो हम खुश रहे, वो भी बहुत खुश, अपने साथ में जो भी है वो भी होता, ऐसे करते। ये अच्छा, बहुत अच्छे। और अनीता बहन जी, चारों सब्जेक्ट में भी बोलते हैं ना भाई जी कि बैलेंस होना चाहिए बाबा, क्योंकि ज्ञान और योग, धारणा और सेवा, इन चारों का भी हमें बैलेंस रखना चाहिए। यानी कि ये योग और सेवा, सेवा में ही कभी कभी बच्चे बिजी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं अपने पढ़ाई पे भी अटेंशन, और योग और सेवा में भी, अपनी धारणाओं में भी सबका बैलेंस बना के रखना है। बहुत अच्छे, मजा आ गया जी। और भाई जी, आतिया बहन जैसे जी, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है, इसमें भी बैलेंस रखना है, जो हो चुका है वो भी अच्छा है। अच्छा। और अगर हम एक ही प्रकार का योग करें तो, से साक्षी दृष्टा, केवल साक्षी दृष्टा का ही, मैं अशरीरी का ही, चलो फॉर एग्जांपल उसका ही योग रख करूं रोज, तो केवल साक्षी दृष्टा, जिधर देखो उधर साक्षी दृष्टा, तो हो जाएगा मेरा नहीं किसी के होगा, ऊपर? जी, तो उसका भी बैलेंस ना, हम कौन सी विधियां हमको बाबा ने बताई है, कितने सारे विधियां हैं जी। कुसुम बहन जी, आपका माइक अनम्यूट था, जिसको भी शेयर करना है अनम्यूट करके बोले बिना झिझक, अपना ही परिवार है। अभी भी वैरायटी बताया है ना, विशेष सबको लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर लाइट देना, ये भी अभ्यास किया है, तो वैरायटी भी कर सकते हैं, साक्षी दृष्टा भी कर सकते हैं, और चार धाम यात्रा या पांच स्वरूप का अभ्यास, ड्रिल्स, तो वैरायटी करेंगे तो मन को भी कुछ नया नया मिलता है। अभी नवरात्रि में नव देवी का दुर्गा बनकर सकाश देना, से वैरायटी देंगे तो मन को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। क्या बात है, हाँ, तो हम भी वैरायटी करते हैं, ऐसे नहीं साक्षी, लेकिन अभी एक स्टेज आ गया ना कि बिंदु स्वरूप अच्छा लगने लगा, इसलिए ज्यादा वो पर। ओम शांति। ये थोड़ा हम चैट में से पढ़ेंगे। स्नेह और शक्ति का बैलेंस, हद और बेहद का बैलेंस, देह और देही का बैलेंस। अच्छा, किसी का चिंतन चला कि बाबा के साथ जो सर्व संबंध हम निभाते हैं, आई एम होपिंग कि सभी निभाते होंगे, बाप टीचर सद्गुरुत्व का तो है ही है, राइट? वो साकार में भी आता है बहुत बार, लेकिन बाकी सब संबंध, फ्रेंड, बच्चा, फिर और भी है माँ का संबंध, इस तरह से कोई करते हैं पुरुषार्थ? जी,
ओम शांति। मेरा प्रश्न भी है और थोड़ी उलझन भी है। ये कहीं सुना था कि बाबा कभी सजनी का संबंध नहीं निभाता, ये कहाँ तक सत्य है? बाकी तो सही है, ठीक है, बाबा सजनी का कभी संबंध नहीं निभाता, हम सजनिया हैं वो साजन हैं, पर आप ज्यादातर कहते हैं ना सर्व संबंध, तो फिर इसमें जी क्या मतलब आपका विचार है, ये मैं जानना चाहता हूँ। हम तो नील बटे सन्नाटा हो गए, कोई को होस्ट में से अगर हमको थोड़ा यहाँ पे बाबा शेयर को करे तो। सजनी भी बना सकते, ऐसे भी है, सजनी भी बना सकते, सारे जी संबंध भाजी में सजनी भी आता है, तो उस रूप में भी बाबा को आप सजनी बना के बातें कर सकते। इतनी रूहानी सजनी मिलेगी तो और क्या चाहिए, सारे संबंध में टोटल आ जाता है, और भी कुछ दिमाग में होगा तो वो भी संबंध देखो, तो लास्ट में एक भी संबंध अगर रह गया तो उसका पेपर आ सकता है ना, इसलिए है ना, तो हम दादियों को भी बोला था। सीनियर एक टीचर्स को एक सुन मिनट के एक आ मिनट, जाना। ओम शांति ओम शांति, एक मिनट, थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप जाएं। भाई जी अभिजीत भाई जी कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट में हम वापस आते हैं आपके पास। हाँ नहीं, एक्चुअली साजन सजनी जो संबंध है ना, ये परम धाम में अनुभव करने का है। माना बाबा मेरा साजन है, परम धाम, केवल परम धाम, मैं आत्मा बाबा के सामने हूँ, भले बाबा को साजन बनाओ या सजनी बनाओ। हाँ, लेकिन बाकी संबंध है ना, समझ लो कि बाबा मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, तो कई बार होते हैं ना कि फ्रेंड के हाथ में हाथ तो बाबा के हाथ में हाथ, तो ऐसे सूक्ष्मोत्तम में भी कई संबंध हम निभा सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये सीनियर टीचर्स कुछ सुनते आए ना शुरू से, साजन सजनी कभी नहीं बनता कहते बाबा, ये बड़ा क्लियर, नहीं जैसे नहीं हमारे चार टीचर, नहीं 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 जिसके मेरे दिमाग में कई दिनों से बात है। नहीं सजनी बन सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन बोला ना कि परम धाम में अनुभव करना कि बाबा मेरा सजनी है, जो रस है वो मुझे मेरे सजनी से मिल रहा है, क्योंकि ये संबंध निभाने का पीछे एक ही भाव हो, एक ही है कि जो सर्व संबंधों का रस है ना, वो मिलना चाहिए आत्मा को, अगर नहीं मिलेगा ना तो उस संबंध को वो व्यक्ति को ढूंढेगा। समझ लो कि बाबा को आपने फ्रेंड नहीं बनाया, माँ नहीं बनाया, फॉर एग्जाम्पल, तो लौकिक की तरफ आपकी बुद्धि बार बार जाएगी, अगर बाबा को बच्चा नहीं बनाया फॉर एग्जाम्पल, तो बार बार बुद्धि जाएगी बच्चे की तरफ, इसीलिए उसको जरूरी होता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए ना मैं खुद भी अभ्यास करता हूँ अमृत वेले उठने के बाद ना, सर्व संबंधों का रस बाबा से लेने का, सर्व संबंधों का, और अपना दिल है ना फुल भरने का, ताकि सारा दिन ना मन बुद्धि कहाँ जाए भी नहीं, क्योंकि होता है ना अगर पेट पहले से फुल भरा हुआ है और कोई बोले आपको खाना चाहिए ये चाहिए, अरे पेट तो इतने तक भरा हुआ है, गले तक आया हुआ है, अभी कुछ नहीं चाहिए, तो ये सर्व संबंधों का रस ना ये अमृत वेले बाबा से लेने का, फुल्ली बाबा के परम धाम बैठने का और लेने का, उसमें साजन भी है, सजनी है, सब कुछ संबंध है, तो ये सब प्रयोग करना कुछ दिनों के लिए और देखना कि क्या परिवर्तन आता है, मन बुद्धि कहाँ भी भटकेगा नहीं। हाँ, लेकिन ये बुद्धि से आप निकाल दो कि सजनी का संबंध नहीं निकाल सकते हैं, तो आप फिर से एक बार किसी और को पूछ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ कुछ भी संबंध बाबा से हम जोड़ सकते हैं। तो बोला ना बाबा, कई बार बाबा बोलते हैं ना कि बाबा गाइड है, बाबा धोबी बनकर आया है, बाकी तो संबंध है ही, लेकिन ये भी संबंध है ना। थैंक यू, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बाबा की किरणें लेनी है क्या? जी, वो संबंधों का रस है ना, देखो जो भी संबंध है ना, अभी समझ लो साजन सजने का, तो उसका जो रस है ना, अतींद्रिय सुख, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे साजन से अतींद्रिय सुख की भासना आ रही है, तो वो सुख अगर आत्मा को मिलेगा ना, तो बाहर का इंद्रिय का सुख उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने अतींद्रिय सुख अनुभव किया है ना।
ओम शांति। जैसे अभी भाई जी ने कहा तो हम बाबा के साथ सर्व संबंध निभाते हैं, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो सही पूछा है, क्योंकि सजनी का संबंध में क्या होता है, बाबा हमेशा हमें कहता है कि मैं आपका माशुक हूँ, मैं एक ही माशुक हूँ, बाकी सब आत्माएं मेरे आशिक है या मेरे बच्चे हैं। तो अगर हम उन सजनी बनाएंगे तो साजन उससे बड़ा मीन्स इसमें स्टेटस में भी हो गया ना, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए हम बाबा को सजनी नहीं बना सकते, बाबा हमेशा साजन ही रहता है, वो हमेशा सुपीरियर है, परम है। इसलिए हम बाबा को साजन बना के हम उनकी सजनिया, देखो बाबा सब भाई भाइयों और बहनों को, सब भाइयों को भी दे पूछते हैं कि क्या आप सजनी नहीं बन सकते, क्या आप मुझे साजन नहीं मान सकते, क्योंकि उनको देह अभिमान होता है ना कि दीदी शायद आपका कट गया है या रेंज का प्रॉब्लम है। उसमें सजनी वो नहीं बन सकते। लेकिन अभी देखिए माँ और बहन वो दोनों भी फीमेल रूप है ना, तो माँ हम बना सकते क्योंकि वो माँ का हमें पालना देता है ना, माँ बन के हमें वो पालना देता है, इसलिए हम उसको माँ के स्वरूप में देख सकते हैं, मान सकते हैं, संबंध भी निभा सकते हैं। और बहन के रूप में तो बहन कहो या सखी कहो, उसके रूप में भी हम उसको मान सकते हैं, उसमें हमारी सुपीरियरिटी नहीं आती है। लेकिन अगर हम सजनी उसको बनाएंगे तो हम उससे, अगर हम अपने को साजन मानेंगे तो हम उससे बड़े हो गए ना, तो वो नहीं होता है ऐसे, इसीलिए हम बाबा को सजनी के रूप में नहीं मान सकते। तो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। एक बार मैं सेटिस्फाइड दीदी से, सुनंदा दीदी से बात करता हूँ, उनका भी मौन है 9 दिन तक, तो उसके बाद थोड़ा हम उनसे बात करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ये एक्चुअली उन भी एक बार कहा था, क्योंकि कुमारों की भट्टी भी चलती है ना, तो बाबा को हम अपने सब कुछ संबंध तो है ही। वैसे देखा जाए तो बाबा कई कई बार कहते मैं तो आपका सर्वेंट हूँ ना, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, कितनी बार मुरली में आया होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या क्या करना, जो बोला ना कि जो भी साजन है सजनी है इनका परम धाम में आप संबंध उसको निभाओ और उसका रस ले लो। मूल बात क्या है रस लेने की, जो आपको आपका प्यार सजनी से मिलता है वो प्यार बाबा से मिलना चाहिए। बस हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमारी बुद्धि देहधारियों से निकालना, ये उद्देश्य है ना। इसके लिए तो हम संबंध जुड़ाते, बेसिक अभ्यास करना, संबंध क्यों चाहिए, साजन क्यों चाहिए, सजनी क्यों चाहिए, संबंध क्यों चाहिए, तो ये रसना जो है ना सारे बाबा से लेने का। और वैभव का सुख चाहे तो सतयुग का ले लो। तो ये पूरा ना बहुत मना मन का सारा गेम है, इसलिए बोला ना कि मन से उसको क्या करो, या तो परम धाम में बहुत अच्छा अनुभव करो। हाँ बाकी, हाँ बाबा मेरा बच्चा है तो हाँ ये भी आप बाबा को अपना बच्चा भी बना सकते हैं। कैसे बनाना, क्या बनाना, बाबा कई बार मुरली में भी एक बार अव्यक्त तो मुरली में आता है कि आपका छोटा बच्चा है बाबा, तो कैसे उसके साथ अनुभव करना, क्या करना चाहिए, वो डीप विषय है। इसके विषय में हम बाद में भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, कदा संडे सैटरडे बफर डे में। तो ये सर्व संबंध को अभ्यास कैसे करना है, लगे तो एक बड़ी दीदी को भी हम बुलाते हैं ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा वो करे। जी, थैंक यू सभी को। पूनम बहन जी, आपका हैंड रेज है। ओम शांति। भाई जी जी, रमेश भाई जी जो बॉम्बे से थे, उन्होंने एक बार बाबा को बोला था कि बाबा सजनी यानी क्यों नहीं बनते हैं आप। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, बोला अगर मैं सजनी बनता हूँ तो वर चाहिए ना, मैं मुझे फिर मुझे वर भी तो चाहिए ना। तो सुवार के आगे अगर सू लगाते हो
कौन सा वर चाहिए? वर के आगे सु लगाते हो तो क्या बन जाता है? तो बाबा ने ये जवाब दिया था रमेश भाई जी को। तो रमेश भाई जी ने ज्ञानामृत में बहुत सुंदर ये लिखा था। तो तब मैं बाबा को बोलती थी, बाबा आप इन सब भाइयों को मीन्स वरिष्ठ आत्माओं को तो जवाब देते हो, लेकिन मुझे तो, मैं तो आपका कोई हूं ही नहीं, मुझे तो कोई जवाब नहीं देते हो। फिर इस सवाल से पढ़ने के बाद और मैंने बाबा से बात किया, तो आज मैं बहुत बहुत हर एक चीज का, छोटी छोटी चीज का जवाब पाती हूँ बाबा से। ओम शांति। और देखिए कि कहीं पे भी जो भी यादगार आए हैं ना, कहीं पे भी सजनी बन के भगवान का संबंध कहीं पे भी नहीं है। सखा के रूप में है, द्रौपदी ने भी निभाया था सखा का संबंध और बंधु का, और अर्जुन को भी सखा बोलते हैं, और क्या कहते हैं, बाकी सारे संबंध है, खुदा दोस्त मुस्लिम धर्म में भी माना जाता है, हर तरीके से हर तरीके का यादगार है। और काली माँ का संबंध भी वहां शंकर दिखा दिया है, तो वो भी शिव से साजन, शिव को साजन माना है, जबकि देवियों के पिता माने जाते हैं। तो हर जगह का यादगार हर संबंध से है, पर कहीं पे भी भगवान को सजनी के रूप में संबंध नहीं बताया गया है। जिस तरह तेजल बहन ने भी बताया कि शायद वो थोड़ा सा कम ताकत वाला भी शायद है, ऐसा है, लेकिन कहीं पे भी नहीं दिखाया गया है। ओम शांति। वाह, क्या एक एक पॉइंट्स निकली है। अच्छा ताराबेन जी, आपका हैंड रेज है, लास्ट पॉइंट लेते हैं, फिर होमवर्क की तरफ पढ़ेंगे। जी भाई जी, तो श्री पिता का तो हम परमात्मा के रूप में जानते हैं, तो वो तो मैल हो गया है, सुप्रीम मैल। और बाबा, जो शरीर हमें मिलता है वो कभी किसी जन्म में मैल का होता है, किसी जन्म में फीमेल का होता है, वो आत्मा का शरीर बदलता है। तो जब हम शरीर हमारा मैल का फिगर होता है, तो हम क्वेश्चन करते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं सजनी के रूप में हम उनको देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, लेकिन परमात्मा तो साजन ही रहेगा, और हम अपने शरीर के मुताबिक से क्वेश्चन कर रहे थे, तो शरीर हमें नहीं देखना है, हम आत्मा ही है परमात्मा की तरह, लेकिन हम शरीर से अपने को देखते हैं, मेल फिगर या फीमेल फिगर। ओम शांति। जी, शुक्रिया सभी का। अच्छा मंजू बहन जी, हाँ जी, आपको होमवर्क देना है कुछ, कोई हाँ जी, पॉइंट्स? मैंने ये नोट किया है इसका आज का लिए होमवर्क के लिए, कि हर बात में बैलेंस रख, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की किरणें सारे विश्व को देनी है हमने, इसी में बुद्धि को बिजी रखना है, स्वयं भी और औरों को भी निर्विघ्न बनाना है, इसकी तरफ अटेंशन रखेंगे, ये होमवर्क है। जी दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया अच्छा, बाबा। ओम शांति। तो हम 1 मिनट, एक थैंक्स जी, बोलिए। थैंक्स। जी, तो हम 1 मिनट पावरफुल ड्रिल करेंगे, ओब्वियसली साइलेंस में, और लाइट हाउस, माइट हाउस, और अभी जो होमवर्क मिला उसके ऊपर फिर हम एंड करेंगे। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। शुक्रिया सारे ग्रुप को। गुड इवनिंग, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।
ओम शांति। यू, ओम शांति।